तो दोस्तों शाहीन बाग की लड़की हुई बिना पति की गर्भवती। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना, काफी मजा आने वाला है। तब आपको पता लगेगा कि जो लड़कियां शाहीन बाग में धारने पे बैठा करती थी तो बिना पति की गर्भवती कैसे हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला, काफी ज्यादा खास होने वाला, ताकि आपको भी तो पता चलना चाहिए ये लड़कियां धारना पे सच में बैठा करती थी कि कोई और से धारना पे बैठा करती थी, और यह बिना पति की गर्भवती हो कैसे गई। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं पूरा जर्गर के बारे में, जो कि बिना पति की गर्भवती हो गई। तो दोस्तों 12 अप्रैल को इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और तिहार जेल में बंद कर दिया गया था। तो इनका कुछ दिन से फिलहाल तबीयत ठीक नहीं था, तबीयत को इलाज कराने के लिए बोला गया, तो यह बोल रही कि मैं तबीयत का अपना इलाज नहीं कराऊंगी, मैं जैसे भी हूँ जेल में ठीक हूँ। तो दोस्तों जेल में का एक रीति रिवाज होता है कि उसमें अगर कोई कैदी का तबीयत खराब हो जाए, चाहे वह बीमार हो जाए, तो उसे डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है। तो वहाँ के जो जेलर हैं, मतलब इन्हें ले जाकर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए, तो उसके बाद पता चला कि सफीरा जरगर तो प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि बताइए, जिस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो दोस्तों जो लड़की 4 महीने से शाहीन बाग की धारणा पे बैठी हुई है, तो वह क्या मतलब वहां पर धारणा बैठने जाती थी कि कहीं और कुछ करने जाती थी। तो कुछ दिन पहले दोस्तों शाहीन बाग का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें शाहीन बाग की एक लड़की एक लड़के को किस करते हुए नजर आई। वह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन उसे लोगों ने अफवाह में फैला दिया कि नहीं, यह दूसरे जगह का वीडियो वायरल हो रहा है, यह शाहीन बाग का वीडियो वायरल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि इसका तो जवाब मिलना चाहिए। वहीं पर कुछ लोग हैं कि मतलब सफीरा जरगर को कह रहे हैं कि इसे जेल से बहुत जल्दी से बाहर ला दिया जाए, क्योंकि वह जब मां बनने वाली है तो उसे जेल में रखना अच्छा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। यह छोटा सा मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करो, कि ताकि हर एक किसी के पास पहुंचाए कि शाहीन बाग में जो लड़की धारने पे बैठा करती थी बिना पति की हुई गर्भवती। तो दोस्तों ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हर एक किसी के पास पहुंच जाए कि ये लड़कियां वहां करने क्या जाती थी, जब बुटर बुक करना रहता तो किसी और जगह जाके करती, शाहीन बाग के धारने पे बैठकर ऐसी क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जल्दी से ठोक दो।